सिलेक्ट राइट ऑप्शन फॉर योर एड। गाइस, जैसे कि आपको पता है, जब आप फेसबुक में एड लगाने जाते हो तो वहां पर होता है बहुत सारा ऑप्शन लाइक ट्रैफिक, एंगेजमेंट, वीडियो व्यू एक्सेट्रा वेक्सेट्रा, जहां आपको समझ में नहीं आता है कौन सा ऑप्शन कौन से एड के लिए चूज करें और आपको उसमें कन्वर्जन मिले। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग उस पर बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा एड कहाँ आपको लगाना है और वो किस लिए होता है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें। और मेरी पूरी ऑडियंस से गुजारिश है कि आप लोग प्लीज 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 वीडियो को लाइक किया करें, बिकॉज आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आने के लिए। सो गाइस, सो लेट्स गो। My name is T and you watching online money as usual। तो guys, मैं ले जाऊंगा आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और guys, मैं वहां सिखाऊंगा कि आपके लिए, आपके एड के लिए कौन सा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव ऑप्शन बेटर है। लेट्स गो। सो गाइज, ये कुछ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज अभी रिसेंटली काफी लोगों ने ऐसा ही सेम रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है मुझे इंस्टाग्राम पे। अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है जो आप कमेंट्स में नहीं पूछ सकते तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड वहां आके मुझे डीएम करें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो मेक श्योर कि आप मुझे वहां पर फॉलो करें, क्योंकि वहां मैं बहुत सारे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विथ स्टोरी एंड पोस्ट। आप जाके मुझे वहां चेक कर सकते हैं। अब गाइज, यहाँ पर कुछ तीन बड़े बड़े कैटेगरीज मिल जाते हैं। पहला जो कैटेगरी है वो है अवेयरनेस, दूसरा जो कैटेगरी है वो है कंसिडरेशन, जो तीसरा कैटेगरी है वो है कन्वर्जन। अब तीनों में जाके जितने भी ऑप्शन है वो सारे आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। गाइज, जो अवेयरनेस है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है ब्रांड अवेयरनेस। गाइज, इसका यूज तब किया जाता है जब आपको अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी होती है। लाइक आपको ना कन्वर्जन चाहिए रहता है ना क्लिक चाहिए रहता है, बस आपका जो एड है वो अलग अलग जगह जाए, लोग उसको देखें, आपके नेम को देखें, बार बार देखें, ताकि उनको याद रहे कि इस नाम से कुछ तो है जो मैंने देखा है। तो ये सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका बस एड दिखे, उसमें क्लिक एंगेजमेंट या सेल से कोई लेना देना नहीं रहता है, बस देखना और याद रखने का गेम रहता है ब्रांड अवेयरनेस में। जो दूसरा है वो रीच। रीच में क्या है गाइज, ये भी एक सेम है लाइक ब्रांड अवेयरनेस में, बट यहाँ पर आपको एक कैपिंग मिल जाती है रीच में कि आप इतने लोगों को इतने बार ये एड दिखा सकते हैं। लाइक अगर मैं कोई एड रन कर रहा हूँ किसी प्रोडक्ट का, तो मैं वो एड किसी को 20 बार दिखाना चाहता हूँ तो मैं उसको 20 बार दिखा सकता हूँ, और अगर 50 बार दिखाना चाहता हूँ तो उसको 50 बार दिखा सकता हूँ। ये जो कैपिंग की सुविधा है वो ब्रांड अवेयरनेस में आपको नहीं मिलती है, इसलिए रीच और काम दोनों का वही है, बट यहाँ पर जो रीच है वहां पर एक कैपिंग जाती है। नेक्स्ट जो है गाइस वो है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन में आपको मिल जाते हैं पूरे 6 ऑप्शंस। 6 ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ट्रैफिक। आपको पता है ट्रैफिक हर कोई यूज करता है, बिकॉज़ ट्रैफिक यूज होता है आपके वेबसाइट पर लोगों को लाने पर। मतलब अगर आपका एक ब्लॉग है या कोई भी चीज है और आप चाहते हो आपका ब्लॉग पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उस चीज को पढ़ें, मतलब सिर्फ ट्रैफिक ड्राइव हो, वो ट्रैफिक के ऊपर है, वो कन्वर्ट होता है या आपके साथ इंगेज होता है, वो ट्रैफिक के ऊपर है, बट आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपके ब्लॉग पे ड्राइव किया जाए, तो आप ट्रैफिक का यूज करते हो। फिर उसके बाद होता है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या होता है गाइज, अगर आप कोई वीडियो लॉन्च किए हो या आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए हो, कोई इवेंट लॉन्च किए हो या आपकी कोई फोटो है और आपको चाहते हो कि उस पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट आए, तो उस समय एंगेजमेंट का यूज किया जाता है। लाइक अगर आपका कोई इवेंट होने वाला है तो आप उस समय एंगेजमेंट का यूज करो, एंगेजमेंट ऑप्शन का यूज करो, ठीक है। और ट्रैफिक का आपका भी यूज करो, जब आप कोई ब्लॉग पोस्ट लॉन्च करते हो तो आप ट्रैफिक का यूज करो, राइट। अब जो नेक्स्ट है गाइज वो है ऐप इंस्टॉलेशन। गाइज, ऐप इंस्टॉलेशन क्या है, ऐप इंस्टॉल्स क्या है कि आप कोई भी ऐप लॉन्च करते हो तो ये जो चीज है ये आपको ऐप डाउनलोड कराने में सुविधा प्रदान करती है, मतलब आपकी हेल्प करती है। ये ऑब्जेक्टिव जब भी आप कोई ऐप लॉन्च करते हो या किसी क्लाइंट का ऐप का एडवर्टाइजमेंट चलाते हो तो आप ऐप इंस्टॉलमेंट पे ध्यान दो। जब आप ऐप इंस्टॉलमेंट पे ध्यान दोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा आरओआई मिलेगा। गाइज, बिलीव मी, आप लोग क्या सोचते हो कि आप सीटीआर सोचते हो, आप सोचते हो कि कैसे भी मैं उसका कन्वर्जन जो रेट है उसको बस बढ़ा दूं, तो ये तो वो, लेकिन आप
को जो फोकस करना चाहिए वो फोकस करना चाहिए आरओआई। बहुत सारे ऐसे कंडीशन मैंने देखे हैं जहां पर सीटीआर बहुत गंदा जाता है, रिलेवेंस स्कोर जो पहले था अभी हटा दिया गया है वो भी बहुत गंदा जाता था, बट आरओआई जो है वो बहुत अच्छा आता था। तो आपको जो है ले दे के फोकस करना है आरओआई पे। गाइज अगर आप आरओआई पे फोकस करोगे बिलीव मी आप बहुत अच्छा खासा कैंपेन जनरेट करोगे और अच्छा खासा रेवेन्यू भी आपको आएगा ही क्योंकि आपका आरओआई बेस्ट है। फिर उसके बाद आता है वीडियो व्यूज। गाइज आप जब किसी क्लाइंट के लिए या किसी कंपनी के लिए कोई वीडियो रन करते हो तो आप हमेशा वीडियो व्यूज का यूज करो। गाइज ये पर्टिकुलर चीजें इसलिए आपको बना के दी गई हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर चीजों के लिए हैं और आपको पूरी तरह से ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट जो है गाइज लीड जनरेशन। अगर आप सीपीए करते हो तो लीड जनरेशन इज द बेस्ट। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए लीड जनरेट करना चाहते हो, लाइक अगर आपने किसी बिल्डर का फ्लैट बिकवाने के लिए कोई लीड लीड कैंपेन चलाया है तो आप लीड जनरेशन का यूज करो बिकॉज ये बहुत अच्छा होता है बहुत सारे सेगमेंट्स में। अब जो गाइस नीचे है गाइस वो है मैसेजेस। लाइक आपने देखा होगा पोस्ट के नीचे आते हैं मैसेज, आप चाहते हो कि लोग आपसे कनेक्ट करें। लाइक बहुत सारे ऐसे मार्केटर हैं जो चैटबॉट का यूज करते हैं, मैं भी चैटबॉट का यूज करता हूँ, आप मुझे फेसबुक में देख सकते हो मैसेज करके, तो आपको तुरंत एक पॉपअप आएगा कि ये ऐसी ऐसी चीजें हैं तो वो चैटबॉट से आ रहा है। तो ये जो चीजें होती है ये चैटबॉट के लिए होती है। लाइक रिलेशन को मेंटेन किया जाता है इनबॉक्स में, तो वैसे लोग मैसेज जो है उसका यूज करते हैं अपने कैंपेन में। लास्ट इन द लिस्ट गाइस जो है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन में गाइस जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है कन्वर्जन। और कन्वर्जन से आपको पता है कि क्या मतलब है, मतलब आप कोई कैंपेन रन कर रहे हो और आपको डायरेक्ट कन्वर्जन चाहिए। आपको ट्रैफिक से कोई मतलब नहीं, इंगेजमेंट से कोई मतलब नहीं, व्यू से कोई मतलब नहीं, लाइक से कोई मतलब नहीं, आपको कन्वर्जन चाहिए। तो आपके लिए फेसबुक वैसा ही कैंपेन ड्राइव करेगा और वैसा ही रिजल्ट आपको लाके देगा। उसके बाद है कैटालॉग सेल्स। लाइक मेरा एक प्रोडक्ट है बट मैं अगर एक ब्लॉग बनाऊं और उसमें मेरे 10 20 30 प्रोडक्ट है तो मैं उन सबको एक साथ कैसे एडवर्टाइज करूं, इसके लिए यूज होता है कैटालॉग सेल्स। कैटालॉग सेल्स ज्यादातर ई-कॉमर्स वाले यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है गाइस वो है स्टोर ट्रैफिक। लाइक आपका कोई ऑफलाइन स्टोर है, लाइक शू शॉप है, या आप एक ज्वेलर शॉप के मालिक हो, या आपका कोई भी ऑफलाइन शॉप है और आप उसकी एड रन करना चाहते हो, अपने स्टोर को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप स्टोर ट्रैफिक का यूज कर सकते हो। आपका स्टोर बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और बहुत सारे लोगों को दिखेगा। इस कैंपेन का यूज ज्यादातर गो डैडी वाले करते हैं जो अलग अलग स्टोर्स पे जाके अपनी जो सुविधा है उसको प्रदान करते हैं। तो गाइस जब भी आप कैंपेन चलाओ तो इन चीजों का ध्यान रखो, कौन सी चीजों के लिए बनी है उसी चीजों का यूज करो, तब आपका आरओआई बेटर होगा। बट हम क्या करते हैं, हम फोकस करते हैं सीटीआर पे, हम फोकस करते हैं रिलेवेंस पे, जो अभी नहीं है, रिलेवेंस का ऑप्शन अभी नहीं है, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, राइट। हम ऐसे बहुत सारी अननेसेसरी चीजों पे फोकस करते हैं जो बिल्कुल ही बेकार हैं हमारे एड कैंपेन के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एड करने जाओ तो ये सब सारी चीजों का ध्यान रखो। और जो चार जो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा यूज होती है मैं बता दूं, ट्राफिक, एंगेजमेंट, लीड जनरेशन और कन्वर्जन। ये चार चीजें अगर आप सही से सीख गए तो आप आधा से ज्यादा फेसबुक एड रन करना सीख जाओगे। तो इन चार चीजों पे थोड़ा ध्यान दो और समझो कौन सी चीजें कौन से केस में बहुत अच्छी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो बहुत लाइक देके एक कमेंट कर दो कि वीडियो अच्छी लगी है। और गाइस अगर आपने अभी तक तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, मेक श्योर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो क्योंकि वहाँ छोटी छोटी चीजें आपको मैं बताते रहता हूँ और बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। जय हिंद।